नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार मनमोहन तिवारी एज ए ब्यूरो बहराइच काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 8 सालों से जन सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी संबंधित विषय पर किसी भी संबंधित अधिकारी को किसी की शिकायत लिखित रूप में एज प्रार्थना पत्र देकर नहीं की है। एक प्रकरण मेरे सामने आया है जिसमें मेरा नाम सामने रखकर मेरे नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया है। जी हाँ, जिला बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र से किसी ने मेरे नाम पर पत्रकार मनमोहन तिवारी सुजौली का नाम लिखकर कि श्रीमान जी, मैं प्रार्थी मनमोहन तिवारी थाना सुजौली क्षेत्र के कई विद्यालय उसमें लिखे गए हैं जिनमें कमियां बताई गई हैं और अच्छी छवि, साफ सुथरी छवि रखने वाले एनपीआरसी कारी कोट श्रवण कुमार सिंह के ऊपर 10% लेने का आरोप भी उसमें दर्शाया गया है, लेकिन वो प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। ना ही उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, ना ही मेरी हैंड राइटिंग है। और मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, इस प्रकार मैंने संबंधित किसी भी विभाग को, किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं दिया, जिसमें आज मेरा नाम उछाला जा रहा है। यह गलत है, सरासर गलत है। ऐसे व्यक्ति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच बिठानी चाहिए और जो इस प्रकरण में मेरा नाम यूज किया है उसको ढूंढकर उस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी छवि भी धूमिल हो रही। मैं भी एक अध्यापक हूँ, प्राइवेट पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसकी छवि धूमिल करना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन है बेसिक शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से, कि तत्काल इस एप्लीकेशन देने वाले की जांच की जाए, कौन व्यक्ति है जो मेरा नाम आगे करके संभ्रांत व्यक्ति एनपीआरसी कारी कोट श्रवण कुमार सिंह के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि श्रवण कुमार सिंह से पिछले 8 सालों से मेरा अच्छा ताल्लुकात है। अगर कमियां भी रहीं विद्यालयों की तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से उसे दिखाया और जब भी मैंने दिखाया उन कमियों को दूर किया गया, तो मुझे कभी लिखित रूप में कंप्लेन करना स्वाभाविक रूप से बना ही नहीं। इस बार जिसने दिया है उसने मेरे नाम का गलत उपयोग किया है।